वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो इन दिनों चल रहा है लॉकडाउन, तो लॉकडाउन अभी 3 महीने तक का है। तो मैंने कुछ पीछे मूवी देखी, वेब सीरीज देखी, तो इस वीडियो में आप लोगों को टॉप 7 मेरे हिसाब से जो टॉप 7 मुझे लगी है, काफ़ी और भी थी लेकिन मुझे जो लगी है वो टॉप 7 इंडियन वेब सीरीज की बात कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो ये बात करते हैं सबसे पहली वेब सीरीज के बारे में। सबसे वेब सीरीज आती है समांतर। समांतर एक मराठी शो है जो 9 पार्ट में है और उसमें हर एक पार्ट कुछ 18 से 20 मिनट का है। मतलब कि पूरी अगर वेब सीरीज एक ही साथ देखना चाहे तो 3 घंटे तक की वेब सीरीज है। और ये वेब सीरीज की स्टोरी काफ़ी यूनिक है, जिसकी स्टोरी कुमार नाम के व्यक्ति के इर्द गिर्द लिखी गई है, जो कि काफ़ी यूनिक स्टोरी है। तो आपको देखने में मजा आएगा। अगर आपने स्टार्ट करी है तो आप एंड तक नहीं रुक पाओगे कि आगे क्या हो रहा है क्या हो रहा है। काफ़ी अच्छी मूवी है ये। तो अगर आप देखना चाहते हो तो एमएक्स प्लेयर पर फ्री अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। दूसरी वेब सीरीज है पंचायत। वेब सीरीज अवेलेबल है अमेजन प्राइम पे और इसमें कुछ में है 8 एपिसोड और हर पार्ट है कुछ 30 मिनट्स के आसपास के। मतलब लगातार देखना चाहे तो उसे देखने में 4 घंटे लगेंगे। और ये स्टोरी काफ़ी अच्छी है इसमें भी, जिसमें अभिषेक व्यक्ति के इर्द गिर्द ये स्टोरी लिखी गई है, जिसमें बताया गया कि अभिषेक है वो जॉब की तलाश में होता है और उसे जॉब लगती है सेक्रेटरी की यूपी के फुलेला गांव में। और वो वहाँ पे जॉब के लिए जाता है पर वहाँ पे उसे मज़ा नहीं आता है, तो वो चाहता है शहर में आए और शहर में और अच्छी जॉब मिले। लेकिन वो जॉब मिली है उसे छोड़ना भी नहीं चाहता, जॉब की भी काफ़ी ज़रूरत है। तो वो कैट के एग्ज़ाम की तैयारी करता है और कैट में पास होता है नहीं पास होता है। और जो गाँव में छोटे मोटे ड्रामा और काफ़ी अच्छी स्टोरी लिखी गई है। तो पंचायत मूवी भी आप देख सकते हो, अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है, इसमें 8 एपिसोड है। तो आइए चलिए देखते हैं हम तीसरी वेब सीरीज के बारे में, अपहरण। अपहरण 1.5 साल पुरानी है वेब सीरीज लेकिन काफ़ी यूनिक स्टोरी है और काफ़ी मज़ेदार है, जिसमें कुछ 13 एपिसोड है। तो काफ़ी अच्छी है वेब सीरीज है और अगर आपने इसे देखना स्टार्ट कर दिया तो आप एंड तक देखना चाहेंगे, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे सस्पेंस है। हर एक पार्ट के अंदर हर एक एपिसोड में एंड में सस्पेंस छोड़ दिया जाता है, तो इसे देखने में आपको और भी मज़ा आ जाएगा। और ये चौथी वेब सीरीज है वो है कोटा फैक्ट्री। अगर ये कोटा फैक्ट्री हो मेरी वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज है, अगर आपने नहीं देखी तो जाइए, फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो उसे जाके देखिए। और पांचवी वेब सीरीज है हमारी असुविक, वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज है अगर देखना चाहते हैं। और अगर आपने इसे देखना स्टार्ट कर दिया तो आप एंड तक देखना चाहेंगे, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे सस्पेंस है। हर एक पार्ट के अंदर हर एक एपिसोड में एंड में सस्पेंस छोड़ दिया जाता है, तो इसे देखने में आपको और भी मज़ा आ जाएगा। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज आती है 6 नंबर की आती है, वो है मिर्ज़ापुर। अगर मिर्ज़ापुर आपने नहीं देखी है अभी तक तो जाइए देखिए क्या करो, क्योंकि मिर्ज़ापुर एक वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज है जिसमें क्राइम एक्शन थ्रिलर काफ़ी कुछ ड्रामा इसमें बताया गया है। इसमें है कालीन भैया जो कि मिर्ज़ापुर के डॉन, तो मिर्ज़ापुर भी एक वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज है, जाकर देखिए और मज़ा लीजिए। और हमारी लास्ट वेब सीरीज है जिसने वेब सीरीज का देखने का नज़रिया बदल दिया, वो है सेक्रेड गेम्स। तो सेक्रेड गेम वो पहली वेब सीरीज थी जिसने वेब सीरीज का नज़रिया बदल दिया। सेक्रेड गेम आने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जो 25 दिन जब अचाल अपनी दुनिया जो ये डायलॉग है काफ़ी वायरल हुआ था, और यही वो वेब सीरीज है जिसने इंडियन वेब सीरीज का दौर ही ला दिया था, जहाँ से इंडियन वेब सीरीज ने वो हाइप पकड़ी थी। तो ये थी हमारी टॉप 7 इंडियन वेब सीरीज। तो कमेंट करके बताइए आपने कौन सी वेब सीरीज़ देखी है और आपकी कौन सी फेवरेट वेब सीरीज है, और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना। ये थी मेरी टॉप 7 वेब सीरीज। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई, पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कोई नहीं वीडियो, तब तक के लिए बाय।